दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको एक स्टोरेज वाटर गीजर का इंस्टॉलेशन करके दिखाने वाला हूँ। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था अगारो वाटर गीजर का, उसमें मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक इंस्टॉलेशन वाटर गीजर का खुद ही करके दिखाऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो ये गीजर पहले ही से इंस्टॉल्ड है, तो दोस्तों ये मेरा पुराना गीजर है, अब नया गीजर आ चुका है तो मैं इसको उतारूंगा और यहाँ पे अगारो का नया गीजर मैं लगाने वाला हूँ। तो जल्दी से इसको उतारते हैं। उतारने के लिए दोस्तों ये फास्टनर के चार जो नट्स हैं इनको बस मैं ढीला करूँगा और ये बाहर की तरफ निकल आएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने चारों फास्टनर के नट जो है उनको ढीला कर लिया, लास्ट वाला बचा है और ये कनेक्शन पाइप मैंने खोल लिए हैं। तो इन कनेक्शन पाइप्स को खोल लेते हैं। और दोस्तों आवाज़ थोड़ी सी गूंज रही होगी क्योंकि बाथरूम के अंदर है और यहाँ पे साउंड वाला कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। तो दोस्तों देख सकते हैं दोनों कनेक्शन पाइप मैंने यहाँ से और यहाँ से मैंने खोल दिए हैं इस फ्लेक्सिबल रिंच का यूज़ करके। तो कनेक्शन पाइप मैंने डिस्कनेक्ट कर दिए, अब सबसे पहले पावर को डिस्कनेक्ट कर देंगे। अब हम ये सारे नट को हम ढीला कर चुके हैं, ये लास्ट वाले नट को भी हम हटा देते हैं फास्टनर के। और जो गोल वाले गीजर्स होते हैं दोस्तों ये फास्टनर पे लगते हैं और ये आपका गिफ्ट निकल के बाहर आ चुका है। हालांकि इस गीजर से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे आपको नया इंस्टॉलेशन करके दिखाना है, इसलिए मैं नया अगारो का ये लगाने वाला हूँ। तो चलिए इसे नीचे रख देते हैं केयरफुली और इसको मैं अपने दूसरे ऊपर वाले एक और बाथरूम में लगा दूंगा जो कि यूज़ नहीं होता है, लेकिन अब क्या करें, एक एक्स्ट्रा आ गया तो इसको कहीं लगा देंगे। तो दोस्तों अगारो का ये 15 लीटर का वाटर गीजर है, इसके साथ दोस्तों ये कनेक्शन की किट दोस्तों साथ में मिलती है जिसमें कि ये पीछे लग जाएगा दीवार में। अभी मैं लगाता हूँ और इतना आइडिया आपको होना चाहिए कि ये लगभग पीछे बैक साइड पे इस जगह पर दोस्तों ये दीवार में आपका इस तरह फिट हो जाएगा। तो ये जब इस तरह निकला रहेगा ये इस तरह ऐसे कुछ इस तरह ही हैंग हो जाएगा। और यहाँ पर जो दो होल हैं इसके साथ हैवी क्वालिटी के स्क्रू बोल्ट्स मिले हैं, ये इसमें लग जाएंगे और हम लोग इसको दीवार में फिट कर देंगे बिल्कुल, ठीक है। इसके लिए आपके पास दोस्तों एक छोटी ड्रिल होनी चाहिए, ड्रिल मशीन होनी चाहिए। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग यहाँ थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। अगर आपको बीच में लगाना है बाथरूम में तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको किनारे लगाना है, जैसे कि मुझे अपने बाथरूम में इसे किनारे लगाना है, बीच में नहीं लगाना है, तो मुझे एक आइडिया लेना पड़ेगा कि मैं इसे इस चीज़ को कहाँ पे फिट करूँ कि ये दीवार से ना लड़ जाए। तो मैं इसके दूरी का आइडिया ले रहा हूँ और इसके लिए आप एक इंची टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके पहले वाले होल से यहाँ तक का आइडिया ले लेता हूँ ताकि ये इस जगह से, ठीक है, कॉर्नर से थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं, यानी कि ये कुछ यहाँ पे मुझे फिटिंग करनी पड़ेगी इसकी। अब ये फास्टनर दिक्कत कर सकते हैं तो इनको मैं निकाल ही देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं इसको सीधा मैंने एक अंदाजे से ले लिया है, यहाँ पे मैं मार्किंग ले लेता हूँ कि किस जगह पर मुझे होल करना है और बिल्कुल ये सीधा होना चाहिए, नहीं तो आपका एक तरफ झुकाव मिलेगा। इसके लिए आप स्पिरिट लेवल की मदद भी ले सकते हैं, मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ, ठीक है। देखिए देख सकते हैं दोनों मार्किंग मुझे मिल गई है। अब मैं क्या करता हूँ, इनको हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये डिस्टर्ब करेंगे, इसलिए हटा दे रहा हूँ। आपके केस में आपको ये काम नहीं करना है। तो दोस्तों जहाँ निशान लिया है वहाँ मैं इस ड्रिल से होल करने वाला हूँ, होल लगभग इतना गहरा करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब चूंकि ये जो गुल्ली है ये मोटी है तो अब हम दूसरी बिट हम यूज करेंगे इससे मोटी वाली। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने पुराने चारों फास्टनर निकाल दिए हैं और उसे निकालने में हल्का सा डैमेज हो गई दीवार, कोई दिक्कत नहीं, वो जब भी पेंटिंग या कुछ रिपेयरिंग होगी तो मैं करा दूंगा। अब यहाँ पे मैंने दो होल कर दिए हैं तो हम लोग इसको लगा देते हैं, एक कुछ यहाँ पर और एक यहाँ पर। बिल्कुल टाइट लग गई है, अब इसको हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरह फिट कर देंगे। नहीं जाए तो आप हल्का सा हैमर कर दीजिए इस तरह और इसके बाद ये चला जाना चाहिए। और कैमरामैन का हाथ दर्द करने लगा है, आप सोचिए मेरा क्या हाल हो रहा होगा। तो देख सकते हैं काफ़ी ये टाइटली लग गया है, अब हमें अपना गीजर लेना है और ऐसे घड़ी की तरह इसे पहना देना है।
इन्हीं पॉइंट्स में ये बैक पोर्शन हमें यहाँ पे फंसा देना, ये अंदर स्लाइड कर जाएगा। तो हमारे कैमरामैन थोड़ा डर रहे हैं कि सही से फंसाए कि नहीं, नाते कहीं सर पे ना गिर जाए, और थोड़ा जो ईटे का जो बुरादा निकला था उसकी वजह से थोड़ा गंदा हो गया, वही मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक ब्लू है और एक रेड है। रेड का मतलब हॉट वाटर, ब्लू का मतलब कोल्ड वाटर। और यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर यूज एंश्योर टू फिट द सेफ्टी वॉल्व एट द इनलेट। तो इसके साथ एक सेफ्टी वॉल्व मिला था जैसा कि मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, इसको चुपचाप इसे फिट कर देंगे। और इसको फिट करने के लिए आपके पास एक होना चाहिए टेफ्लॉन टेप। टेफ्लॉन टेप कुछ इस तरह का होता है, गैस और पानी की फिटिंग के लिए आता है। ये आपको इजीली 20 रुपीज का हार्डवेयर की शॉप पे मिल जाएगा। और ये रहा सेफ्टी वॉल्व, ये हम लोग खोल देते हैं। तो टेफ्लॉन टेप हम लोग यहाँ पे 3-4 राउंड लपेट देंगे। बेसिकली इसीलिए है कि पानी जो है बिल्कुल भी लीक ना करे। देख सकते हैं हाथ से ही बिल्कुल लगभग फिट हो गया है। कनेक्शन पाइप अगर अगारो वाले यहाँ तक आ जाते हैं तो हम वो लगाएंगे, नहीं तो हम पुराने वाले लगाएंगे। कनेक्शन पाइप में दोस्तों टेफ्लॉन टेप की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसके अंदर रबड़ का वॉशर ऑलरेडी रहता है, वही टाइटिंग ले लेता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेफ्लॉन टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है। इनलेट में दोस्तों ये लगाएंगे, और पहली बार ऑन करने से पहले एक प्रिकॉशन है, इसलिए बने रहिए वीडियो में। और ये कनेक्शन पाइप के इसको देख सकते हैं, इस तरह यहाँ पर लगा देंगे। इसमें भी दोस्तों वॉशर है, वही टाइटिंग ले लेगा। वायर को हम लोग इधर से ले के थोड़ा इधर से ले आते हैं ताकि एक्स्ट्रा वायर हमारी वहीं एडजस्ट हो जाएगी इधर के बैक पे। दूसरा कनेक्शन पाइप जो अगारो के गीजर के साथ मिला उसको भी हम लोग यहाँ आउटलेट में दोस्तों लगा देते हैं। बस दोस्तों फिटिंग हो गई है, अब हम लोग प्लग को लगा देंगे लेकिन ऑन नहीं करेंगे। प्रिकॉशन ये है कि पहले इसमें पानी पूरा भर जाना है, उसके बाद ही गीजर का पहली बार स्विच ऑन करना है। जब एक बार पानी भर जाएगा तब आप लाख पानी निकाल भी लेंगे लेकिन उसमें थोड़ा पानी हर वक्त रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम यूज़ करने से पहले हम लोग अब इनलेट को खोल रहे हैं। ये देखिए इसमें भरना शुरू, और इसको भी दोनों को खोल दिया, इनलेट आउटलेट। ठीक है, नीचे थोड़ा गंदा हो चुका है इसलिए उसके लिए मेरी अपोलॉजीज पहले से ही, क्योंकि मैंने ड्रिल वगैरह किया तो उसकी वजह से यहाँ पे हो रहा है। अब हम देख लेंगे कि कहीं लीक तो नहीं कर रहा है, हल्का फुल्का भी कहीं अगर लीकेज होगा तो हम लोग उस पॉइंट को थोड़ा सा बस ज़रा सा और टाइट कर देंगे, लेकिन अभी तक कहीं लीक नहीं किया है। ये दोस्तों हॉट वाटर का पॉइंट है, अब हम इसे खोलेंगे और चेक करेंगे। देखिए पहले हवा आ रही है क्योंकि गीजर के अंदर जो हवा भरी थी वो पहले हवा निकलेगी। अभी जब तक पानी इस वाले नल से हॉट वाटर वाले से ना आए तब तक आप गीजर का पावर ऑन नहीं करेंगे। देखिए अभी भी हवा आ रही है, वेट करते रहिए। 15 लीटर का गीजर है तो थोड़ा टाइम लगेगा, अभी भी एयर आ रही है दोस्तों, और अभी वेट करते रहिए पानी आने लगेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं लगभग इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, और थोड़ा बहुत आवाज़ें आएंगी गुड़ 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 की, जैसे पेट खराब हो जाता है पहली बार, तो वो नॉर्मल है क्योंकि अंदर टैंक में अभी एयर भरी है, अब यहाँ से एयर निकलने वाली है। अब देखिए ये आया पानी, देख सकते हैं पानी आ गया, अब ठंडा पानी आ रहा है। मैं इसे बंद कर रहा हूँ, अब पूरा गीजर पानी से भर चुका है, अब हम इसे स्विच ऑन कर रहे हैं और देख सकते हैं ये ऑन हो गया है। अब यहाँ पे दोस्तों ये नॉब है, ये ऑफ है बेसिकली, ये देखिए ब्लू कलर की देख सकते हैं लाइट, और ये टेम्परेचर नॉब है, और ये देखिए ये थर्मोस्टेट है, ये ऑफ हो गया। ठीक वैसे ही जैसे फ्रिज में हम लोग टेम्परेचर एडजस्ट करते थे ना, तो बिल्कुल कम करते जाते थे तो फ्रिज बंद हो जाती थी, वैसे ही है। और ये हो गया आपका हाई पे, तो मैं अभी फिलहाल हाई पे इसलिए कर दे रहा हूँ कि आपको जल्दी से पानी गर्म दिखा दूँ। और दोस्तों जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा नॉर्मल गीजर्स की तरह ये ब्लू लाइट बंद हो जानी चाहिए, तो अब हम पानी गर्म होने का वेट करते हैं। दोस्तों गीजर के साथ एक ये पाइप मिला था, ये यहाँ पे लग जाएगा, पानी हाई प्रेशर होगा तब के लिए होता है, तो इसकी ज़रूरत मुझे नहीं लग रही लगाने की, तो मैं ऐसे नहीं लगा रहा हूँ, अगर गिरना भी होगा तो यहीं से गिर जाएगा। और अभी भी पानी गर्म हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे गीजर 20-25 लीटर के होते जाते हैं, ये 15 लीटर कैपेसिटी का, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि ज़्यादातर सब में 2000 वाट का ही हीटिंग एलिमेंट होता है। तो दोस्तों लगभग 10 मिनट हो चुका है पानी गर्म होते हुए, मैंने फुल पे रखा हुआ है। पर अगर आपको देखने से लग रहा हो कि गीजर जो है वो तिरछा लगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि साइड एंगल से वीडियो शूट हो रहा है। ठीक सामने कराएंगे गीजर के तो आप देखेंगे कि आपका जो गीजर है वो बिल्कुल सीधा लगा है। ठीक है, तो अब मैं इस नॉब को कम कर रहा हूँ, थर्मोस्टेट वाली नॉब को, और देखेंगे अभी बस ब्लू लाइट जो है ऑफ हो जाएगी। ये देखिए, तो इसमें आप टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं, अगर आपको कम गर्म चाहिए तो आप इससे वो कर सकते हैं। मैंने फुल करके मैं दिखाना चाह रहा हूँ इसलिए इस जगह पर देख सकते हैं ऑफ हो रहा है। ठीक है,
और अभी इस जगह पर भी अभी ऑफ हो जाएगा, पानी का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा। थोड़ा आप लोगों को दिखा देते हैं कि एक वीडियो शूट करने में कितनी मेहनत लगती है, देख सकते हैं कितना तामझाम फैला है, पूरे टूल्स वगैरह, गीज़र, पुराना गीज़र और पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है, लेकिन ठीक है आप लोगों को दिखाना है तो इतना करना पड़ेगा मुझे। और दोस्तों कह सकते हैं कि दिखने में काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है, देख सकते हैं पुराने वाले गीज़र से तो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और फीचर्स भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। उसमें टेम्परेचर नॉब नहीं था, वो एक ही टेम्परेचर पर दोस्तों सेट होता था, बाकी और भी कई चीज़ें हैं जो मैं इसके डिटेल्ड वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो दिशता आ चुकी है और गीज़र को देख रही है ऊपर अच्छे से गौर से। तो दिशता बताइए, दिशता कैसा लग रहा है? देखिए कंफ्यूज बच्चा देखा है आपने? यही है कंफ्यूज बच्चा। कैसा लग रहा है? देख देख हंस रही है, यहाँ छुप के हंस रही है। बताओ अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तुम तो बोली थी लगा नहीं पाएंगे पापा। तो इतनी देर से तो नहीं लगा रहे बेटा, कोई काम परफेक्ट करना होता है तो देर लगती ही है, पता है? कोई काम परफेक्ट करना होता है, बिल्कुल अच्छे से करना होता है। तुम ही जो हैंडराइटिंग जो अपनी रोज स्कूल का काम घसीटा छाप करती हो, उसको अगर बहुत सुंदर सुंदर अच्छे से करोगी तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा ना, इसीलिए टाइम ज़्यादा लगे। प्लस हमें केवल लगाना नहीं था, पुराना गीज़र उतारना भी था। तो दोस्तों ब्लू लाइट देख सकते हैं बंद हो चुकी है, और जैसा कि मैंने बताया था कि रेड लाइट इसमें नहीं जल रही है, केवल ब्लू लाइट का इंडिकेटर है। ब्लू लाइट बंद हो गई तो इसका मतलब पानी गर्म हो चुका है पूरी तरह। अब हम यहाँ पे हॉट वाटर वाला नल जो है वो दोस्तों खोलने जा रहे हैं, और दोस्तों देखेंगे जैसे ही ठंडा पानी थोड़ा सा जाएगा गीज़र में, ब्लू लाइट फिर से ऑन हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि पीछे से थोड़ा सा ठंडा पानी आया तो टेम्परेचर जो है पानी का फिर से डाउन हो गया, ठीक है, उतना गर्म पानी नहीं रहा, तो वो खुद ही ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता रहेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है तो आप इससे इसको मिड पे या यहाँ 70% पे भी रख सकते हैं, ठीक है, ये आपके पर्सनल चॉइस पर या और आपको कितना गर्म पानी चाहिए इस पर डिपेंड करता है। कह सकता हूँ कि मेरे पिछले वाले गीज़र से ज़्यादा गर्म है पानी, ठीक है, तो इसको मैं मिड पे फ़िलहाल मैं सेट कर देता हूँ, मेरे ख्याल से मिड पे ही हमारा काम हो जाएगा। तो दोस्तों ये था एक स्टोरेज वाटर गीज़र इंस्टॉलेशन का वीडियो। वीडियो में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी मेरे भी और कैमरामैन की भी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर गीज़र से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। दोनों चैनल्स टेक्नो तपन और तपन गुप्ता को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।